नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ देश और दुनिया की तमाम खास खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तो धीरे धीरे काबू में आने लगा, लेकिन अब ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए भी लगातार कवायद चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी क्रम में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज अब संजय गांधी PGI लखनऊ के विशेषज्ञों की निगरानी में कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत विशेषज्ञ प्रत्येक मरीज की स्थिति पर सीधी नजर रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर से ही टीम 9 की वर्चुअल बैठक की। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी सहित जहां कहीं भी ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज हो रहा है, SGPGI के विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण में होगा। सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग सभी अस्पतालों के लगातार संपर्क में रहे, कहीं भी उपयोगी दवाओं का अभाव ना हो। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज खान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, जिस तरह से लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद टीम 9 की वर्चुअल बैठक भी की गई सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इस वक्त? जी, बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ब्लैक फंगस के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन मामलों में तेजी आ रही है, तो जिसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी से ही निर्देश देने जारी कर दिए हैं। टीम 9 की जो बीते दिन बैठक हुई उसमें भी सीएम योगी ने ये निर्देश दिया कि जो इस बीमारी का जो इलाज होगा वो विशेषज्ञों की जो निगरानी में बकायदा किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये ब्लैक फंगस के मामले लगातार आए दिन बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो लखनऊ हो, मेरठ है या गोरखपुर, वाराणसी, जितने भी ये बड़े बड़े मंडल हैं, बड़े बड़े जिले हैं, यहाँ पर जो केस है वो काफी संख्या में देखे जा रहे हैं। KGMU में भी काफी मरीज जो है इसके भर्ती हैं, PGI में भी इसके मरीज जो है काफी भर्ती है जिनका इलाज चल रहा है। तो सीएम योगी भी इस बीमारी को लेकर कहीं ना कहीं पहले से ही जो है वो सख्त दिखाई दे रहे हैं और अधिकारियों को ये लगातार निर्देश दे रहे हैं कि कहीं किसी भी तरीके की इस बीमारी को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। जो भी इसका इलाज हो वो विशेष डॉक्टर्स की निगरानी में किया जाए। लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो बात कही जा रही थी कि रेड क्रॉस सोसाइटी 9 लोगों के हस्ताक्षर के बाद जो इंजेक्शन प्रोवाइड करवाएगी ब्लैक फंगस के जो इलाज में कारगर है, वहीं पर इंजेक्शन की भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, तो उसको पूरा करने के लिए किस तरह से योगी सरकार कार्यरत है? देखिए, कहीं ना कहीं इंजेक्शन की जो कमी है वो भी लगातार बात सामने आ रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के जो मरीज जहां निकले थे उन लोगों का भी ये कहना था कि जो इंजेक्शन है, जो डोज है जो लगनी है, दिन में 3 इंजेक्शन के जो डोज है वो डोज पूरी नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं। तो इंजेक्शन की जो कमी है उसको लेकर भी सीएम योगी जो है वो लगातार कार्यरत दिखाई दे रहे हैं, वो एक्शन में है ही, लगातार दौरे पे दौरे, और इंजेक्शन हो चाहे वो वैक्सीन हो, उत्तर प्रदेश में जिस चीज की भी कमी है वो लगातार पूरी करने के अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से ब्लैक फंगस का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो उसको लेकर जो इंजेक्शन, क्योंकि इंजेक्शन ही इसमें कारगर साबित हो रहा है ब्लैक फंगस का, तो उसकी जो है कहीं ना कहीं कमी तो दिखाई दे रही है, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मीटिंग्स का दौरा कर रही है और लगातार दूसरे राज्यों से बात कर रही है और इंजेक्शन की कमी को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश में है। वही तो देखा आपने कि किस तरह से जो रेड क्रॉस सोसाइटी है कहीं ना कहीं उनके पास भी इंजेक्शन की कमी है, जिसको पूरा करने के लिए लगातार जो योगी सरकार है वो तत्पर है और लगातार प्रयासरत है कि ब्लैक फंगस के जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उनकी जो इंजेक्शन की कमी हो या फिर बेड की, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मोदी सरकार से 7 वर्ष पूरे होने पर 30 मई को जागरूकता व सेवा कार्यों के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार के मंत्रियों को भी गांव की ओर जाना होगा। प्रत्येक सांसद व विधायक को कम से कम 2 कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। आपको बता दें कि बुधवार को वर्चुअल बैठक में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सांसदों व विधायकों समेत प्रमुख पदाधिकारियों से 28 मई से आरंभ होने वाले कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा की। वहीं महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने मोर्चा पदाधिकारियों को रक्तदान शिविर की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि सेवा कार्यों के जरिए दवाई किट, सैनिटाइजर, मास्क,
काढ़ा साबुन व जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जागरूकता के माध्यम से वर्चुअल कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से कहा कि वो वैक्सीन खुद लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। अभियान प्रभारी व प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने बताया कि प्रमुख कार्यक्रमों के फोटोग्राफ प्रदेश कार्यालय को प्रेषित करने होंगे। कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए उत्तर प्रदेश में जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। बुधवार को एक दिन में 3.58 लाख लोगों की कोरोना जांच कर यूपी ने नया रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना से लगातार जिस तरह से मौतें हो रही हैं, उसको लेकर संक्रमित रोगियों के लिए जांच की जा रही है। तो जिस तरह से लगातार बुधवार को एक दिन में 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना की जांच कर यूपी ने नया रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 3,371 नए रोगी मिले, वहीं 10,540 रोगी ठीक भी हुए। इसी दौरान 196 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। तो लगातार यूपी में ट्रेस टेस्ट और ट्रीट का जो T3 फॉर्मूला है उस मॉडल पर कार्य करते हुए लगातार योगी सरकार कोरोना की रोकथाम में लगी हुई है। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर रामपुर में भी काला दिवस मनाया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंकने का प्रयास किया। वहीं मौके पर तैनात पुलिस फोर्स ने किसानों को सरकार का पुतला फूंकने से रोका। इसको लेकर पुलिस और भाकियों कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। रामपुर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शहरी क्षेत्र में कोविड-19 के तहत दस्तक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत खांसी बुखार के मरीजों की तलाश की गई, साथ ही जिन मरीजों में लक्षण देखने को मिल रहे हैं उन्हें मेडिकल किट भी वितरित की गई। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 16,000 घरों का सर्वे करने का फैसला लिया था, जिसके चलते डीएम सीएमओ सहित सभी अधिकारियों ने चिन्हित लोगों के घर जाकर अपने स्टाफ के कार्यों को भी चेक किया। अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां जमालपुर यूपीएससी पर कूड़ेदान में कोविड सेंटर की लोडेड सिरिंज मिली है। इनकी संख्या 29 है। स्टाफ का आरोप है कि यूपीएससी की एएनएम नेहा खान ने इन लोडेड सिरिंज को कूड़ेदान में फेंका है। वहीं इस पूरे मामले में एएनएम नेहा खान ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। फिलहाल कोविड टीकाकरण की लोडेड सिरिंज के कूड़े में मिलने के मामले की जांच सीएमओ ने 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर एसीएमओ डॉक्टर एम के माथुर व डिप्टी सीएमओ दुर्गेश कुमार को सौंप दी है। रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र में एक युवक का जला हुआ शव मिला। वहीं कई घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हरदोई में सीएससी अधीक्षक पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीएससी अधीक्षक नौकरी के नाम पर धमकी देते हैं और लोगों से धन उगाही भी करते हैं, और ये भी कि कोरोना काल में सीएससी अधीक्षक ड्यूटी पर दिखाई नहीं देते। लोगों को नौकरी के नाम पर भी धमकी दी जा रही है। इस पर अब लोगों की मांग है कि सीएससी अधीक्षक पर सख्त कार्रवाई की जाए।
तो सीएससी अधीक्षक पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते गांव वाले काफी ज्यादा नाराज दिखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नौकरी दिलाने के नाम पर धन उगाही से लेकर धमकी तक दी जाती है और लोगों की मांग है कि सीएससी अधीक्षक पर सख्त कार्रवाई की जाए। शाहजहांपुर में पीएम आवास योजना में अपात्रों के चयन मामले में शिकायतें आना आम बात हो गई है। इस पर पिछड़े वर्ग को लेकर एक मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत अटकोना में जिम्मेदार अधिकारियों ने धांधली कर अपात्रों को आवास आवंटित कर दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत में हरजन वर्ग के लिए आवंटित आवासीय कोटे में पिछड़े वर्ग के 12 लोगों को आवंटन कर दिया गया है, जिसमें से कई लोगों के आवास बन चुके हैं। आवासों में हो रही धांधली को लेकर लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शाहजहांपुर का निवासी हूँ। जो हमारे ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए हैं, वो लोग ओबीसी की कैटेगरी के व्यक्ति उनको एससी में करके उनको ऐसे 12 लोगों को आवास दिए गए हैं, और जिनको उन्होंने ओबीसी से एससी में किया है उसका एक भाई आधार में है और दूसरे भाई को ओबीसी से एससी में करके उस कोरोना के चलते राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, लेकिन जब लॉकडाउन लगाया जा रहा था तब शासन प्रशासन को ये नहीं मालूम था कि पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर इतनी ज्यादा गंभीर हो जाएगी कि मास्क ना पहनने पर बाहर घूमने वालों के हाथ और पैर में कील ठोक देगी। आप खुद ही देखिए ये खास रिपोर्ट। अच्छा लगता है जब पुलिस बाहर बेवजह घूमने वालों को हिदायत देकर समझाती है, लेकिन जब पुलिस खुद ही सीरिया की अदालत बन जाए तो मामला उस हाथ की तरह हो जाता है जो आस्तीन से बाहर निकलने के लिए लगातार छटपटाता नजर आता है। बरेली पुलिस ने निर्दयता की सारी हदें पार करते हुए एक युवक को अमानवीयता का ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो शायद ही अब लॉकडाउन के बाद भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत कर पाए। बरेली पुलिस के कुछ सूरमा खुद को यमराज समझ बैठे और युवक को ऐसी तालिबानी सजा दी कि अगर सजा देने में वर्ल्ड कप हो जाता तो उन पुलिस वालों को वर्ल्ड कप तो मिले ही, साथ ही मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी गर्व से ले जाते। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में रहने वाले रंजीत के हाथ और पैर में कील ठुके हुए मिले। पीड़ित युवक को बेवजह बिना मास्क बाहर घूमने की सजा पुलिस ने दी थी। सजा मिलने के बाद युवक फिर थाने पहुंचा और मामले की शिकायत उसके परिजनों ने पुलिस से की, लेकिन जिले के पुलिस कप्तान साहब रोहित साजवार ने सभी आरोपों को ऐसे खारिज कर दिया जैसे युवक मुंह के साथ साथ अपने हाथ पैर से भी झूठ बोल रहा है। खैर, पीड़ित युवक की मां ने शिकायत की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि युवक के खिलाफ FIR दर्ज थी और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसी नौटंकी कर रहा है। अब पुलिस का ये तर्क आपके कितना गले उतरेगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सजा सुधारने के लिए दी जाती है, न कि अपाहिज करने के लिए। डेस्क रिपोर्ट, टाइम टीवी। तो देखा आपने कि बाहर घूमने वालों के साथ जब पुलिस सख्त होती है तो वो किस कदर सख्ती दिखाती है, इसका जीता जागता एक उदाहरण हमने पेश किया हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो आप भी सतर्क रहिए और जो पुलिस वाले इस तरह की हरकत करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ये भी एक अपने आप में जरूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी। देश प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, सड़कों पर फेल सोशल डिस्टेंसिंग, तो कहीं शमशानों पर लगी लंबी कतार। रहे सतर्क, कोरोना के वार पर करे पलटवार, लगाए मास्क और तोड़े कोरोना की दीवार। प्राइम टीवी आप सभी से अपील करता है कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। प्राइम टीवी आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। खबरों